नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि यूनियन बैंक में डिपॉजिट और चेक डिपॉजिट स्लिप आपको किस तरीके से भरनी है एक लाइव डेमो के साथ। सबसे पहले आप कुछ चीजों का ध्यान रखिए। आप जब भी स्लिप भरने जाएं, आपके पास अकाउंट नंबर होना चाहिए जिसमें भी आप कैश डिपॉजिट या चेक डिपॉजिट करा रहे हैं, अमाउंट और जिस डेट को आप भर रहे हैं वो। आइए हम लाइव डेमो देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें डिपॉजिट स्लिप भरनी है। आपके सामने यूनियन बैंक की डिपॉजिट स्लिप है, तो आइए हम देखते हैं इसको किस तरीके से भरना है। ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पीछे की साइड आपको कुछ डिटेल्स भरनी है। जो मेन डिटेल्स हैं वो पहले पेज पर आएंगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले दिनांक भरनी है, फिर यहाँ पर आपको ब्रांच नाम भरना है। ब्रांच जिस भी लोकेशन में आपकी है, मेरी ब्रांच सुमेरपुर में आती है, मैं सुमेरपुर लिख दूंगा। फिर यहाँ पर मुझे अकाउंट नंबर भरना है, जो मेरे 15 डिजिट का जो अकाउंट नंबर है वह है, क्योंकि मैं मेरे अकाउंट में ही डिपॉजिट करवा रहा हूँ, इसलिए मुझे मेरे अकाउंट की ही डिटेल भरनी है। अगर मैं किसी और के अकाउंट में डिपॉजिट करा रहा होता तो मुझे उसके अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पर भरनी होती। यहाँ पर मोबाइल नाम डालना है, मेरा नाम महेश गुप्ता है। यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है मुझे। यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देना है मेरे। यहाँ पर मैं जितना कितना डिपॉजिट करवाना चाहता हूँ वो मुझे यहाँ डालना है। मैं 5,000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं 5,000 यहाँ लिख दूँगा, 5,000 रुपीज़ ओनली। फिर मुझे यहाँ पर चेक, अगर मैं इस स्लिप के माध्यम से चेक डिपॉजिट कर रहा होता तो मैं यहाँ चेक की डिटेल डालता, जो कि मैं चेक नहीं डिपॉजिट कर रहा, इसलिए मैं यहाँ पर मैं मेरे साइन कर दूंगा। अब आते हैं यहाँ पर, इस साइड आपको डिटेल्स डालनी है कि अगर आप 5,000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हैं, जैसे मैं 10 500 के नोट दूंगा जो कि 5,000 होते हैं, तो मैं यहाँ 5,000 कर दिया, टोटल आपके यहाँ पर 5,000 आ गए। यहाँ पर मैं अपना पैन नंबर डाल सकता हूँ। फॉर्म 16 की ज़रूरत नहीं है, मैंने मेरा पैन नंबर डाल दिया। इस तरीके से ये वाला पार्ट तो आपका बैंक के पास रह जाएगा। अब दूसरा जो स्लिप आपके पास हमेशा रहेगी, उसको किस तरीके से भरना है, यहाँ आप सुमेरपुर लिख दीजिए, दिनांक लिख दीजिए, यहाँ पर आप खाता संख्या लिख दीजिए। यहाँ पर आप नाम लिख दीजिए अपना, यहाँ पर राशि, जो राशि आप डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, यहाँ पर आप वर्ड्स में लिख दीजिए, या नीचे कर सकते हैं। ये तो आपने देखा कि किस तरीके से आपको पहला पेज भरना है। अब बैक एंड पर भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपको भरनी है। यहाँ पर आप भर सकते हैं अपना एड्रेस, जहाँ भी आप रहते हैं। मैं आदर्श नगर में रहता हूँ, 12 आदर्श नगर सुमेरपुर राजस्थान। यहाँ पर मैं मेरा टेलीफोन नंबर डाल सकता हूँ। यहाँ पर ऑफिस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर मेरा है तो मैं यहाँ डाल सकता हूँ। ये अब आपका फॉर्म पूरी तरीके से फिलअप हो चुका है, जो कि बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज मेरा वीडियो आप सोशल मीडिया पर शेयर करें